Hello students, we are studying the second chapter of geography, forest and wildlife. Students, yesterday we have discussed about in this chapter the flora and fauna, biodiversity, and today I'll teach you the types of species. So students, according to International Conservation Organization yani Prakritik Sanrakshan Sangathan ke anusar जो हमारी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, उनको छह भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीशीज सिक्स टाइप्स में ये प्रजातियां बांटी गई हैं। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज हैं स्टूडेंट्स जो कि विलुप्त हो गई हैं, यानी खत्म हो चुकी हैं। और यानी ढूंढने से भी अगर उनके आवासों में ढूंढते हैं वर्ल्ड में या दुनिया में, तो वो उन जगहों पर नहीं पाई जाती, नहीं मिलती। इनका एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक। ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आती है, यानी विलुप्त हो चुकी हैं। सेकंड आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं, यानी जिनकी सर्वाइवल को खतरा है। अब वो अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया और इनके जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो स्पेशीज हैं इनको खतरा हो रहा है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये स्पेशीज भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, वाइल्ड एस एंड इंडियन राइनो, ये इसके उदाहरण है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। थर्ड आता है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्टूडेंट्स वो है ये भी खतरे की चपेट में आ रही हैं, धीरे धीरे खतरे की चपेट में आ रही है। हालांकि एंडेंजर्ड स्पीशीज से थोड़ा इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी खतरे की चपेट में आती जा रही हैं। और इनके भी अगर नेगेटिव फैक्टर्स को दूर नहीं किया गया इनके सर्वाइवल के लिए, और जो परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल, जो उनके प्रतिकूल हैं उनको इनके अनुकूल नहीं किया गया, तो ये जो स्पीशीज हैं ये वल्नरेबल स्पीशीज कैटेगरी में जो आ रही है ये भी खत्म होती चली जाएंगी। और इसका उदाहरण है ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट। फोर है स्टूडेंट्स रेयर स्पीशीज। रेयर कहते हैं दुर्लभ प्रजातियां, ये बहुत कम प्रजातियां जो बहुत कम पॉपुलेशन है इनकी, और इनकी भी ये इनके साथ भी यही है कि ये भी खतरे की चपेट में आती जा रही है, और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। यानी एंडेंजर्ड कौन सी है, जो खत्म होने के कगार पर है। तो रेयर है, ये कम मिलती है, लेकिन अगर इनपे इनकी नेगेटिव फैक्टर्स को दूर नहीं किया गया तो ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। और इनका जो एग्जांपल है, उदाहरण है जो इनके अंडर आते हैं, वो हिमालयन बियर, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। फोर है नॉर्मल स्पीशीज। स्टूडेंट्स नॉर्मल स्पीशीज है जो सामान्य प्रजातियां हैं और जो जिनके सर्वाइवल को अभी कोई खतरा नहीं है फिलहाल, जिनकी संख्या भी नॉर्मल है और इन्हें इस समय फिलहाल कोई जो है फैक्टर्स जो है वो इनके अकॉर्डिंग है, सर्वाइवल के अकॉर्डिंग है। इनके एग्जांपल है कैटल, यानी गाय भैंस बकरी सब कैटल हैं जानवर, साल एंड रोडेंट्स चूहे, इनकी प्रजातियों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। नंबर सिक्स और लास्ट है एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक होती है स्थानिक स्पेसीज, यानी जो पर्टिकुलर एक रीजन में एक स्थान में पाए जाते हैं, जिन्हें लोकल भी हम कह सकते हैं, विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर रीजन एरिया। यूजुअली जैसे हमने इसमें इसके अकॉर्डिंग आता है जैसे निकोबार पिजन, तो निकोबार पिजन क्या है, वो निकोबार में ही मिलता है, निकोबार का ही है प्रॉपर। या एंडमैन वाइल्ड पिग, यानी एंडेमिक वाइल्ड पिग क्या है, जो अंडमान की ही है, वहीं की लोकल जगह की है, तो ये वो स्पीशीज है जो स्थानिक स्पीशीज कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन दिस चैप्टर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।